इंसान के अंदर पांच रूहें हैं। पहली का नाम है कलब, दूसरी का नाम है रूह, तीसरी का नाम है सिर, चौथी का नाम है खफी, पांचवी का नाम है अख्फा। ये पांचों अल्लाह के अमर है। कुरान में इनका जिक्र है। जब मूसा अलैहिस्सलाम पे आ गई और अल्लाह ने फरमाया कि आपका दीन मुकम्मल कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया आप मुझसे बड़ा तो इलम वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, आपसे भी ऊपर इलम वाला, यानी वो कौन सा इलम है मेरी किताब में नहीं है। फरमाया वो किताबों में नहीं मिलता, वो सीना पसीना मिलता। कहा वो कहाँ जाना पड़ेगा? फरमाया आप तैयारी करो, बच्ची को बनाओ, उसे मुर्दा करो, उसे पकाओ, उसे आग पे रखो और वो साथ ले लो, और खाने वाला राशन ले लो, जिसको साथ लेना ले लो, इस रास्ते पे चलो, और जब मछली जिंदा हो जाएगी तो किताबों से बाएं वाला इलम शुरू हो जाएगा। वहाँ पहुँचे, बच्ची जिंदा होगी, वहाँ पहुँच गए, कहा जी मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं वो इलम लेने आया हूँ जो मेरे पास नहीं है। मैंने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया आपसे भी आगे इलम है और वो लेना पड़ेगा। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जा, मैं आपके पास आ गया हूँ। आपने फरमाया ये तालीम हमारे लिए थी, हम सिर्फ शरीयत तक है, शरीयत से आगे भी है तरीका। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे का इलम तरीका लेने गए, फरमाया मूसा आप सबर नहीं कर सको, आप साबित कदम नहीं रह सको। और जब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहा जी मैं इंशाल्लाह आपके साथ साबित कदमी का मुजाहरा करूंगा, आप मुझे इलम दे। बच्चा मार दिया, कश्ती की फट्टी तोड़ दी, और तीसरा काम क्या किया, जिन्होंने पानी भी न पिलाया, खाना भी न दिया, उनके गांव के बाहर दीवार थी वो तामीर कर दी। वहाँ एहसान आया ईसा पर माने के ये एहसान है कि उन्हें पानी नहीं, बैठने की जगह नहीं दी, बिठाया भी नहीं है, कहा निकलो यहाँ से बाहर, ने दीवार गिर लिया, दीवार बनाने लगे, दीवार उन्होंने की। मूसा अलैहिस्सलाम तीन दफा बोल बैठे, फरमाया तरीकत का असूल है, जब पीर बात कर रहा हो, पीर सहज ले रहा हो, पीर सिखा रहा हो, पीर जो भी कर रहा हो, मुरीद का काम है पीछे हाथ बांध के चलते रहे।